विष्णु नारायण भातखंडे जी का जीवन परिचय। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का जन्म बंबई प्रांत के बालकेश्वर नामक स्थान में 10 अगस्त 1860 ईस्वी में कृष्ण जन्माष्टमी के दिन एक उच्च ब्राह्मण वंश में हुआ था। इनके माता पिता संगीत के बड़े प्रेमी थे। पंडित जी ने 1883 ईस्वी में बीए तथा सन 1890 ईस्वी में एलएलबी परीक्षा पास की। उच्च शिक्षा ग्रहण कर लाहौर शहर में वकालत शुरू कर दी। पंडित जी गायन में निपुण थे और साथ ही सितार और बांसुरी भी बहुत अच्छी बजा लेते थे। इन्होंने संगीत विद्या को कई गुरुओं द्वारा प्राप्त किया था। इनके मुख्य गुरु मोहम्मद अली खां थे, जो जयपुर में रहा करते थे। सितार वादन की शिक्षा पंडित जी ने सेठ वल्लभ दास जी से प्राप्त की थी। पंडित जी का विचार संगीत संबंधी खोज करना था। सन 1904 में इन्होंने भ्रमण करना शुरू कर दिया। जगह जगह जाकर उन्होंने पुस्तकालयों में संगीत संबंधी पुस्तकों का अध्ययन किया और संगीतज्ञों से वाद विवाद भी किया। सन 1916 में पंडित जी ने बड़ौदा में एक बहुत बड़ा संगीत सम्मेलन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन स्वयं बड़ौदा नरेश ने किया था। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप उन्होंने सन 1919 में ऑल इंडिया म्यूजिक एकेडमी भी खोली। पंडित जी ने संगीत के 3 विद्यालय खोले थे। लखनऊ में मॉरिस म्यूजिक कॉलेज, जो आजकल भातखंडे संगीत विद्यापीठ कहलाता है। ग्वालियर में माधव संगीत महाविद्यालय और तीसरा बड़ौदा में खोला था। आइए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा करें। पंडित जी का सबसे पहला कार्य संगीत कला और शास्त्र का मेल था। उन्होंने प्रचलित और अप्रचलित रागों को खोजकर थाट राग पद्धति में बैठाया और कुल 10 थाट माने और रागों को इनके अंतर्गत रखा। दूसरा कार्य यह है कि वो बड़े बड़े उस्तादों के पास जाकर उनसे खानदानी चीजों को लेकर इकट्ठा किया। इन सब खानदानी चीजों को क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भागों में प्रकाशित भी करवाया। पंडित जी का एक और महत्वपूर्ण कार्य एक नई नोटेशन पद्धति अर्थात स्वर लिपि पद्धति को बनाना था, जो स्वतंत्र होने के साथ सरल वैज्ञानिक भी है। चौथा कार्य पंडित जी का आधुनिक संगीत शिक्षा प्रणाली का है। कुछ लोगों ने इन कार्यों की आलोचना भी की और उन पर अनेक आक्षेप किए। पंडित जी के यह सब कार्य बहुत ही सराहनीय हैं। संगीत जगत सदैव उनका आभारी रहेगा। इसीलिए उन्हें भारतीय संगीत शास्त्र का प्राणदाता भी कहा जाता है। पंडित जी ने अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी आदि भाषाओं में कई पुस्तकें लिखी। कुछ ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं: हिंदुस्तानी संगीत पद्धति, क्रमिक पुस्तक मालिका जिसके 6 भाग भी हैं, अभिनव राग मंजरी, स्वर मालिका। पंडित जी ने इस प्रकार संगीत की सेवा बड़े परिश्रम से की और 19 सितंबर 1936 ईस्वी में वो प्रलोक सिधारे। संगीत जगत में पंडित जी का नाम एक सितारे की तरह हमेशा चमकता रहेगा। धन्यवाद।